हेलो, आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। मशरूम की सब्ज़ी तो सभी ने खाई होगी, लेकिन उसके बारे में नहीं सुना होगा कि मशरूम कितने फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। इसे ज़रूर खाना चाहिए, ये हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है। तो आज हम चलिए बनाते हैं मशरूम की सब्ज़ी। ये गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तेल भी गर्म हो गई है, गैस का स्लो कर दिया मैंने थोड़ा। ये हम जीरा डाल रहे हैं इसमें। ये हम इसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च डाल रहे हैं। इन सभी को अच्छे से चला देंगे। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। गैस का तेज मैंने कर दिया गैस को। अब इस प्याज को हम सुनहरे रंग में एकदम भून लेंगे। प्याज देखिए हमारा पक गया है, ये गुलाबी कलर में हो गया, सुनहरे कलर में। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा लाल मिर्च कस्तूरी वाला पाउडर है इसको ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इन सभी को अच्छे से चला देंगे। इसमें ये कटे हुए टमाटर हैं, आप चाहे तो इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं कटे हुए टमाटर डालूंगी। इसको भी अच्छे से चला देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए हमें ढक देना है। जब ये मसाले हमारे सारे पक के तेल छोड़ देंगे, तब हम सब्जी बनाएंगे। गैस को स्लो कर दिए, इसको ढक के रख देना है। मसाले पक गए हैं, इसको हमको थोड़ा सा क्रश कर देना है। फटाफट हमारी ग्रेवी बन के सब्जी की तैयार हो गई है। ये टमाटर को हमको इसी में फोड़ देना है। और तेल भी देखिए छोड़ दिया है। अब ये हमने कटे हुए मशरूम को अच्छे से दही के साथ और हल्दी के साथ इसको मैरिनेट कर दिया था थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसको सब्जी में ऐड कर दूंगी, ये कटे हुए मशरूम।
बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी, बहुत फ़ायदेमंद होती है। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। आप एक बार इसे इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा। आप चाहे ठंडियों के मौसम में इसमें और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे हरी मटर डाल सकते हैं, जो मैंने खड़ा प्याज डाला, खड़ा टमाटर डाला, आप इसको पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा ये सब्ज़ी मसाला ऐड कर देती हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा नमक दे दूँगी। इन सभी को अच्छे से चला दूँगी। जिसमें मैंने मशरूम रखा था बॉल में से पानी में थोड़ा सा, आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी जब तक ये पक ना जाए। ये देखिए हमारा सब्जी पक गया है। इसको थोड़ा हम चला के एक बार और ढकेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से पक जाए। मैं इसको एक बार ढक देती हूँ। सब्जी हमारी पक गई है। अब हम इसे एक बॉल में निकाल देंगे, गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे। कढ़ाई को हम रख देंगे। ये देखिए फटाफट हमारी मशरूम की सब्जी बन के रेडी हो गई है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मेरी सब्ज़ी कैसे बनी हुई है मशरूम की।